जयपुर में 9वीं क्लास की छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। स्कूल स्टूडेंट्स ने डरा धमकाकर नाबालिग छात्रा से अश्लील वीडियो बनवाया। खुद के मोबाइल पर मंगवाए अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। स्कूल प्रशासन मामला सामने आने के बाद भी चुप रहा। सांगानेर सदर थाने में नाबालिग पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि सांगानेर सदर निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उनकी 14 साल की बेटी एक नामी स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ती है। शिकायत में बताया कि स्कूल के आपराधिक प्रवृत्ति के लड़कों ने बहलापस लाकर और डरा धमकाकर नाबालिग बेटी से अश्लील वीडियो बनवाए। अश्लील वीडियो को अपने मोबाइल पर मंगवा लिए, ब्लैकमेल कर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। स्कूल प्रशासन को भी इसकी जानकारी थी। आरोप है कि नाबालिग बेटी की अश्लील वीडियो को 7-8 लड़कों ने एक दूसरे को वायरल किया। स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचरों ने भी अश्लील वीडियो देखकर खुद के मोबाइल पर वायरल करवाए। दोषी लड़कों को बचाने और स्कूल के नाम को बदनाम होने से बचाने के लिए पुलिस को सूचना तक नहीं दी। वीडियो वायरल करने में स्कूल प्रशासन का भी सहयोग रहा। ये वीडियो स्कूल के बाहर भी वायरल हो चुकी है।